5 किलो वजन कम, वो भी बगैर किसी एक्सरसाइज के और बगैर डाइट के। जी हाँ, सही सुना, आप 1 महीने में 5 किलो तक वजन कम कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, सिर्फ इस एक चम्मच से। अगर आपको थायराइड्स है या आपको हार्मोनल इम्बेलेंसमेंट है तो ये रेमेडी इसको भी फिक्स करेगा और आपकी बीपी शुगर को भी कंट्रोल करेगा, क्योंकि ये सब आपको फैट की वजह से ही होता है। तो चलिए देखते हैं इस मैजिकल चीज को मैंने कैसे रेडी किया है और कैसे बैलेंस किया है। सबसे पहले लूंगी एक पैन ताकि इसमें हम मजीद प्रोसीड कर सकें। अब मैं इसमें डाल दूंगी 2 चम्मच जीरा, ये ब्लैक जीरा नहीं है, ये सफेद जीरा है जो आप गरम मसाले में इस्तेमाल करते हैं, वही वाला जीरा 2 चम्मच। सेकंड मैं इसमें ऐड करूंगी 2 चम्मच ही सौंफ के। आपने पाउडर वाली सौंफ इस्तेमाल नहीं करनी, ये ग्रीन वाली फ्रेश सौंफ है, तो आपको मार्केट से या पंसार शॉप से ये तमाम चीजें मिल जाएंगी। आपकी आसानी के लिए आपसे लिंक भी शेयर कर लूंगी ताकि आपको प्योर और अच्छी चीजें आसानी से मिल सके। इसमें अब ऐड करने हैं 2 चम्मच अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड में इसमें ऐड कर रही हूँ। फोर्थ में इसमें ऐड करूंगी दार चीनी, ये भी आपने 1 चम्मच। अब इन तमाम चीजों को आपने जब तक रोस्ट करना है, जब तक इसकी तेज खुशबू नहीं आना शुरू हो जाती और ये थोड़ा डार्क नहीं हो जाता, ठीक है। ये देखिए इस तरह से आपने इसको रोस्ट करना है और इसका जो ऐसा कलर है ना वो निकल आएगा, इज लाइक डार्क गोल्डन कलर, ठीक हो गया। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 चम्मच अजवाइन। अब ये अजवाइन क्या है, डोंट वरी, इन सबके लिंक आपको मिल जाएंगे। जो किचन में काम करती हैं ख्वातीन, आई थिंक उनको तो पता ही होगा, ये बहुत ही कॉमन चीज है आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए, आपके फैट को रिड्यूस करने के लिए। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी वही 1 चम्मच, वही 1 टेबल स्पून मेथरा, मेथरी नहीं मेथरा, इसके थोड़े मोटे दाने होते हैं इस तरह का जो है ना, ये मेथरा है, इसमें मैं ऐड कर दूंगी 1 चम्मच। अब आपने दोबारा से इसे सिर्फ 30 सेकंड के लिए गोल्ड रोस्ट करना है, बहुत ज्यादा रोस्ट नहीं करना, थोड़ा सा बस आपने 30 सेकंड के लिए इसे रोस्ट करना है। और इस तरह से देखिए ये थोड़ा सा लाइट गोल्डन होना चाहिए। अब मैं इन तमाम चीजों को मिक्स करके एक ग्राइंडर में डाल दूंगी ताकि इसका हम पाउडर बना सकें। आपने इसे ग्राइंड करना है जब तक कि तमाम चीजें इक्वली बैलेंस होकर पाउडर नहीं बन जाती। अब हमारा अच्छे से पाउडर जो है वो बन चुका है, अब इसे एक बाउल में डालूंगी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून हल्दी, आप किचन वाली हल्दी इस्तेमाल करेंगे, ठीक हो गया। अब आपने इन तमाम चीजों को अच्छे से मिक्स करना है, मिक्स करने के बाद आप इसे कंटेनर में डालकर स्टोर कर सकते हैं 3 महीने के लिए। अब आती है मेन बात समझने की कि आपने इसे इस्तेमाल कैसे करना है। आपकी 13, 14, 15 साल की बच्चियां जो है वो लेंगी इसका 1 टीस्पून, ठीक है। 16 साल के बाद जितनी भी हैं 60 प्लस आप लेंगी 1 टेबल स्पून, एक बड़ा खाने वाला चम्मच, ठीक हो गया। एक्स्ट्रा जो है ऊपर से आपने रिमूव कर देना है, इस तरह से आपका 1 टेबल स्पून बनना चाहिए। आपने इसे कंज्यूम करना है, लेना है नाश्ता करने से 1 घंटा पहले, गर्म पानी के साथ भी ले सकते हैं, गर्म पानी सूट नहीं करता तो आप सिंपली पानी से जो नॉर्मल होता है उस पानी से भी आप इसे ले सकते हैं, बस पाउडर डालें मुंह में और ऊपर से पानी पी जाएं, बहुत ही इजी है। सिर्फ दिन में एक टाइम ही आपने इसका 1 चम्मच लेना है, आपकी डाइजेशन इतनी जबरदस्त हो जाएगी, आपके जो इतने सारे प्रॉब्लम्स है ना वो आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। 1 हफ्ते के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि आप हल्का महसूस कर रही हैं, फिर आप मुझे नीचे कमेंट्स में आकर कहेंगे कि आप ही आज तो बस कमाल हो गया। तो इसके रिजल्ट मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो कैसी लगी, बहुत ही जबरदस्त वीडियो है, नीचे आपने कमेंट में आकर भी यही कहना है कि जबरदस्त, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। खुश रहिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी।